तो है सचमुच मैं प्रभु किया। मैंने एक से पूछी कि भाई रो क्यों घड़ी घड़ी, तो आने के ठाकुर जी ने याद आवे छे। मैंने कहा ठाकुर जी ने सेवा केम नहीं करता, बोले सेवा करिए तो भाव टाड़ो थी जाए। तब मुको रहस्य समझ में आया, अच्छा ये रहस्य है। मैंने कहा अच्छा है कि ये रहस्य औरतें नहीं जान ले, नहीं तो घर में अपने को कोई ऐसे कहे कि तुम्हारी याद में हम रो रहे हैं, अपन के भाई पर आ गए, बोले आ गए तो भाव ठंड पड़ गया। तो आप कहा जाए घर में रोती हो अपने नाम सु के आए नहीं आए नहीं आए न बालम का करूं सजनी। और अपन के अकेले आ गए, बोले आ गए तो ठंड पड़ गया बा। तो जाए कहा फिर यार, कहा जाए, खड्डा में डरिया में पड़ू डूबी मरू जाऊं क्या। तो भगवान भी ये सोचते होंगे कि रो रहे है मेरे लिए और मेरे पास आवे नहीं है पाछो, क्योंकि आवे तो भाव ठंडो हो जाए। मैंने कहा ये बहुत गंभीर यजमानी रहस्य कथा को, ये जो है भागवती रहस्य नहीं है, ये यजमानी रहस्य है। भगवान भगवान तिरोहित थी गया रहस, अरे सेना तिरोहित थी गया, कोने बेवकूफ बनावे छे, क्या तिरोहित थया, तिरोहित थया तो आवु रड़वू ज ना आवत। ये बात ध्यान से समझो कि ये भागवती रहस्य नहीं है, कोई दूसरे गंभीर रहस्य है सब। तो विरहानुभवार्थं तु, घर बाधक हो जाए, घर बाधक हो जाए अपने को विरह को जीने में, तो वह घर को त्यागने की महाप्रभु जी छूट दे रहे हैं। और खूबसूरती से कितना अच्छा महाप्रभु जी प्रयोग कर रहे हैं, विरहानुभवार्थं तु परित्यागो विधीयते नहीं कह रहे हैं, प्रशस्यते। यदि तुमको ऐसे लग रहे हो है कि तुम अपने भगवत विरह को घर में नहीं जी पा रहे हो, यदि तुम अपने भगवत विरह को घर छोड़ के जी पाते हो, तो फिर मैं वह संन्यास की निंदा नहीं करूंगा, वो संन्यास प्रशस्यते। विधान में नहीं कर रहे हूं, एक बात समझ, कोई चीज की प्रशंसा करनी और कोई चीज को विधान करना, विधान करने पर वो कंपल्सरी हो जाए और प्रशंसा करने पर ऑप्शन है कि तुमको ऐसे लगते हो तो ऐसे करो। घर में यदि तुम जी पा रहे हो भगवत विरह को तो घर में जियो। ऐसो दिवस सब श्यामा वाली क्या यश रूप तनो गुण गाए जी, वासर निर्वाह एम करे सखी सायं काले पेखे जी। तो विप्रयोग अपन घर में भी जी सके नहीं जी सके ऐसी बात नहीं है, और विप्रयोग घर में जीने में कोई तकलीफ आती हो तो भी परित्याग करना है घर को, तो वो परित्याग जो है वो प्रशस्त परित्याग है, प्रेज वर्दी। प्रशस्त का मतलब क्या, प्रेज वर्दी परित्याग है, वह को विधान नहीं कर रहे हूं, करना हो तो करो। और वो परित्याग जा बखत करते होगे, वा बखत ये जो भगवत विरहानुभवार्थ द्वितीय प्रकारक सन्यास है, वा में तुम वेश, वा में गुरु, वा में साधक, भाव बोधन के उपाय और बाधक क्या है उन सबको निरूपण कर रहे हैं। स्वीय बंध निवृत्त्यर्थम वेश सोत्र न चान्य था, माने तुम दूसरे से टूटने के लिए भगवा मत पैरो, पर दूसरे तुमको तकलीफ न दें, तुम भगवा पैर के दूसरे को खोड़ो, ऐसे रेड सिग्नल बता सकते हो भाई हमारे पास मत आइयो, गए तुम्हारे काम सु, तो वो वेश पैर सको। दूसरे से तोड़ने को तुमको गरज ही नहीं है, क्योंकि तुमको तो भगवत विरह करना है ना, दूसरे से तोड़नो संबंध, घर से संबंध तोड़नो, ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे प्रॉब्लम है कि वो तुम्हारे को परेशान न करें। तो तुमको लगता है कि ऐसे भगवा पहनने से तुमको परेशान नहीं करेंगे तो भगवा पहन लो, तुमको लगता है कि लाल कपड़ा पहनने से नहीं करेंगे तो लाल कपड़ा पहन लो, सफेद पहनो सफेद पहन लो, जो पहनो पहनो। स्वीय बंध निवृत्त्यर्थम वेश सोत्र न चान्य था, यहां भगवा कंपल्सरी नहीं है, पर भगवा भी हेल्पफुल हो तो भगवा को हेल्प लेने में क्या बुराई है। क्यों कि कौंडिन्यो गोपिका प्रोक्ता गुरवः साधनंच, यहां एक और मिस्टेक रह गई, सुधार लीजियो, तत् और भावो अलग हो गया है, दरअसल वो एक शब्द है तद्भावो, तो तद्भावो में एक हाइफन डाल दोगे ना तो बात सुधर जाएगी। कौंडिन्य और गोपिकाएं जो हैं वो या तरीके के परित्याग में अपने गुरु हैं, गुरु है मतलब अपने सारे जो ये परित्याग कैसे करनो विरहानुभवार्थ, वाको वो अपने को आइडियल मॉडल हैं, तो तद्भावो और उनको भाव अपने को कैसे मिलेगा, तो महाप्रभु जी कह रहे हैं तद्भावो भावनया सिद्ध, उनको भाव जो प्रभु के प्रति हतो
वो भाव तुमको कैसे प्राप्त होगो, तो उनके भाव की भावना तुम भी करो। जैसे उनके ठाकुर जी, उनके पास ठाकुर जी तिरोहित हो गए, तुम भी ऐसे मानो कि तुम्हारे पास ठाकुर जी तिरोहित हो गए करके तुमको विरह हो रहे है। ऐसे सोचोगे तो तुम ग्रह त्याग करने में तुमको भगवत विरहानुभवार्थ ग्रह त्याग को आपको आनंद आएगो। तद भावो भावनया सिद्ध साधनम नान्य दिश्यते। वो भाव की भावना करो। भावना और भाव में क्या अंतर है, यह बात को ध्यान से समझो। भाव मतलब अपने हृदय को रहो भयो भाव, जाकू अपन करें नहीं है, हुए है। और भावना मतलब कि अपन वो भाव हुए नहीं है, पर अपन वाकू वॉलेंटरी कर रहे हैं। जो इनवॉलेंटरी हुए है वो भाव है, और जो वॉलेंटरी कर रहे हैं वो भावना है। ख्याल में आई ना? सगाई करके, एक बात ध्यान से समझो, सगाई करके लड़का लड़की को एक दूसरे के प्रति भावना करने की सीख दी जाए कि भाई ये तुम्हारो होने वालों पति है, ये तुम्हारी होने वाली पत्नी है। वाबखत भाव नहीं हुए है। और सगाई होने के बाद यदि दोनों को दाम्पत्य अच्छी तरह से निभ, माने डंडा डंडी केशा केशी मुष्टा मुष्टि नहीं चल रही है, तो तद्भाव सिद्ध हो जाए क्या फिर हम ये पति है और ये पत्नी है। और डंडा डंडी केशा केशी मुष्टा मुष्टि हुई तो भाव खंडित हो जाए फिर। तो सगाई के वक्त वो भावना करवाई जाए है, शादी के बाद फिर अपेक्षा दाम्पत्य भाव की हुए। सगाई के वक्त दाम्पत्य की भावना हुए है, दाम्पत्य को भाव नहीं हुए। मैंने एक दूसरे को या तरह से सजेस्ट किया जाए कि भाई ये तुम्हारो पति होएगो, ये तुम्हारी पत्नी होएगी, या को पत्नी के तरह तुमको ट्रीट करना, या को पति के तरह ट्रीट करना, वो भावना है। और शादी के बाद फिर भाव बन जाए। तो भाव और भावना में इतने अंतर है कि जो अपन कर रहे हैं वो भावना है, और जो होने लगे अपने हृदय की मांग सु, हृदय की आवेग सु, अंदर सु, वो इच्छा सु कर रहे हैं तो भावना है। भाव यदि इच्छा सु कर रहे हो तो भावना है, और भावना यदि बिना इच्छा के होने लगी तो भाव है। बस संक्षेप में यूं भी समझ सको कि इच्छा के साथ यदि अपन भाव कर रहे हैं तो भावना है, और बिना इच्छा के भावना होने लग गई तो वो भाव हो जाएगा। सो भावो भावनया सिद्ध साधनम नान्य दिश्यते। अब एक बात समझो, जहर तो पीधा जानी जानी। जब तुम भगवत विरह के लिए घर छोड़ के निकले हो, क्योंकि अभी तक तो घर तुमको तकलीफ दे रहे हो तो, या भगवत विरह को अनुभूत करने में, पर अब तुम्हारी तकलीफ दूर हो गई करके तुम्हारे भीतर विकलता बढ़ेगी। भगवत विप्रयोग की विकलता बढ़ेगी, तुम थोड़े डिस्टर्ब्ड हो जाओगे, थोड़े मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे, तुम स्वस्थ नहीं रह जाओगे। तो विकलत्वम तथा स्वास्थ्यम प्रकृति, वो तुम्हारा नेचर हो जाएगो। वो प्राकृत विकलत्व नहीं होएगो, प्राकृत अस्वास्थ्य नहीं होएगो, तुम थोड़े पागल की तरह बरतने लगोगे, जैसे राजा आस्करण दास जी पागल की तरह बरतने लगे। पर वो तुम्हारा नेचर है, वो नेचुरल नहीं है। वो तुम्हारा नेचर है, वो नेचुरल नहीं है। वो तुम्हारा प्रकृति है, वो प्राकृत नहीं है। मैंने दुनिया की जो प्रकृति है, वासु जो पैदा होते हैं, जो प्राकृत स्वभाव है, वो प्राकृत स्वभाव नहीं है। क्योंकि भगवत विप्रयोग के कारण बने भाई तुम पागल हो, भगवत विप्रयोग के कारण तुमको आतो भयो अस्वास्थ्य है। अब तुम स्वस्थ नहीं रह सकोगे। और ज्ञानम गुणाश्च तस्य एवं वर्तमानस्य बाधका। या स्थिति में जो प्रभु को महात्म्य ज्ञान और प्रभु के गुण जो है वो तुमको बाधक हो जाएंगे। गुण जो है वो साधक हो रहे थे प्रभु के, क्यों? क्योंकि गुण के कारण तुमको आश्वस्तता रहती थी। प्रभु के जब भी गुण विचारो तो प्रभु सब जगह है, प्रभु तुम्हारे हृदय में भी है, कहीं भी तुम प्रभु को भजनो चाहो भज सको। पर अब ये स्थिति में प्रभु के गुण बाधक होंगे, क्योंकि प्रभु सब जगह है तो विप्रयोग कौन को? प्रभु तो कहीं सुतिरोहित है ही नहीं। जैसे कबीर कह ना, पानी बीच मीन पियासी मोई सुन सुन आवे आसी, भगवान को और विप्रयोग? जो सर्वव्यापी है, जो सर्वांतरात्मा है, वह को विप्रयोग? तो ये सारे जो गुण जो प्रभु के हैं, ये प्रभु को जो ज्ञान है वो तुमको या विप्रयोग में बाधक हो सकेगो। यदि तुमको वा या संन्यास के बाद इन ज्ञानन की चर्चा अच्छी लग रही है, मतलब विप्रयोग नहीं है, और विप्रयोग है तो ये ज्ञान की चर्चा अच्छी लगनी बंद हो जाएगी, तुम भागवत नहीं कर पाओगे,
तुम ऐसे कोई कथा नहीं कर पाओगे, तुम कथा सुन नहीं पाओगे, तुम रोते रहोगे, तुम अस्वस्थ रहोगे। पर एक बात ध्यान से रहो, ये तुम्हारो अस्वास्थ्य आधिदैविक अस्वास्थ्य है, ये तुम्हारी विकलता आधिदैविक विकलता है, या कोई लौकिक शारीरिक मानसिक विकलता से कोई संबंध नहीं है। ये बहुत सब्लिमेटेड विकलता है, बहुत एक्सलेंट, मैं जैसो पार एक्सलेंट कोई अस्वास्थ्य तुम्हारो, कि यासु बढ़ के स्वास्थ्य भी नहीं हो सके, जहां पे सैकड़ों स्वास्थ्य नौछावर किए जा सके, ऐसा तुम्हारो एक अस्वास्थ्य है। ये बात तुमको समझनी पड़ेगी। पर ज्ञानम गुणाश्च तस्य एवं वर्तमानस्य बाधका, ये सारो ज्ञान और ये भगवान के सारे गुण जो अब तक साधक रहते, अब वो बाधक होने लग जाएंगे तुमको, क्योंकि ये वा तबक्का पे अब बात जा रही है। सत्यलोके स्थितिर ज्ञानात् संन्यासेन विशेषितात् भावना साधन पूर्वोक्त संन्यासस्य फलावस्थाया निरूपणम्। ये जो संन्यास है, या कि फलावस्था में क्या होएगो, कि तुम्हारी सत्यलोक में स्थितिर ज्ञानात् संन्यासेन विशेषितात्, संन्यास के कारण तुम सत्यलोक में स्थित होगे, मिथ्यालोक अब तुम, सत्यलोक एक लोक भी है पर वा अर्थ में भी और या अर्थ में भी, कि अब मिथ्या जो अहंता ममतात्मक लोक है वहां में अब तुम नहीं रह सकोगे। भावना साधनम यत्र फलंचापि तथा भवेत, तुम भावना से जा लोक में जी रहे हो, भगवान के विप्रयोग के लोक में, वो फल भी तुमको वैसे होएगो। तादृशा सत्य लोकादौ तिष्ठन्त्येव न संशय, बहिश्चेत् प्रकट स्वात्मा वह्निवत् प्रविशेद् यदि तदैव सकलो बंधो नाशमेति न चान्यथा। ये जो हृदय में तुम्हारे रहे हो विप्रयोग का भाव है, वो कभी तुम्हारे हृदय की वृत्ति को मत के इतनो गाढ़ बना दे कि अंदर विराजमान प्रभु जाको तुम निरंतर चिंतन कर करके विप्रयोग कर रहे हो, वो आसक्ति ब्रह्मन्याय से कभी बाहर दिख गयो तुमको, बस तो फिर तुमको जीनो मुश्किल हो जाएगो। वाके बाद तो तुम्हारे विप्रयोग की इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी, और वह बढ़ी हुई इंटेंसिटी से फिर तुम जीने के लायक, अभी तक तुम जीने के लायक होते, अब जीने के लायक भी नहीं हो जाओगे। क्यों? कि वो स्नेह की जो अंतिम अवस्था है, वाके पहले उन्माद आवे, उन्माद की स्थिति के बाद मूर्छा आवे, मूर्छा के बाद मरण आवे, ये मरण भी कोई दूसरे जात को मरण है, ये वो रोगजन्य मरण नहीं है, ये जो है वो भगवान के साथ विप्रयोग जन्य मरण होएगो तुम्हारो, भगवत विप्रयोग जन्य मरण, ये साधारण मरण नहीं होएगो। तो बहिश्चेत प्रकट स्वात्मा वन्निवत प्रविशेद यदि, बहि आत्मा वो तुम्हारो भावात्मक प्रभु तुम्हारे भीतर से यदि बाहर प्रकट भयो और फिर पाछो कभी भीतर प्रविष्ट हो गयो, तो वहां को लकड़ा को उदाहरण दे रहे हैं कि लकड़ा में रहो भयो अग्नि यदि कभी प्रकट होके बाहर जलने लग जाए फिर लकड़ा कायम नहीं रह सके। ऐसे तुम्हारे देह के भीतर रहो भयो भावात्मक प्रभु यदि कभी विप्रयोग की आसक्ति ब्रह्मन्याय से बाहर प्रकट हो गयो और फिर जो कभी तिरोहित भयो, तो वाके बाद फिर तुम जी भी नहीं सकोगे विप्रयोग इतनो। आज तो अपन सब रोवे हैं पर अपने को सच्चो कोई विप्रयोग थोड़ी होवे, प्रभु को थोड़ा बहुत हो तो होगा पर सच्चो विप्रयोग होए तो ऐसा वो हुआ कि उनमें आवे ना, कैसो प्राकृत एक कवि ने बहुत अच्छो कही है कि जो लोग प्रीतम के आने की आशा में जी रही हैं वो तो बड़ी सौभाग्य वाली है, क्योंकि हम तो प्रीतम के जाने के समाचार से मरने की तैयारी करें। जो लोग प्रीतम के आने की आशा से जी हैं वो तो बड़ी सामर्थ्यशाली भाग्यशाली हैं, हम तो प्रीतम के जाने के न्यूज से मरने की तैयारी में पहुंचे हैं, ऐसे एक प्राकृत कवि ने कही है। तो वह अवस्था को विप्रयोग फिर पैदा होएगो, और गुणास्तु संगराहित्याद जीवनार्थम भवंती ही, गुण जो है वह वक्त संगराहित्य होने के कारण तुम्हारे जीवन में थोड़े बहुत सहायक हो सकेंगे, और या विप्रयोग में भगवान तुम्हारे सामने प्रकट नहीं होएगो जल्दी सु। क्यों? क्योंकि भगवान को एक स्वरूप संयोगात्मक जैसे है ऐसे एक स्वरूप विप्रयोगात्मक भी है, तो विप्रयोग के रूप में भगवान तुमको विप्रयोग दे तो ही रहेगो, कि जैसे तुम पूरा अपने विप्रयोग को पूरी इंटेंसिटी से फील कर सको, तुमने वही कोर्स चुनियो है। अब जब कोर्स चुनियो तो ये एक तरह को शहीद को मार गए हो, ये जो है ना ये लड़ाई को मार्ग नहीं है, ये एक शहीद को मार्ग है, शहादत को मार्ग है, भक्ति में शहीद बनने को मार्ग है। तो वो कोर्स चुने तो शहीद होना ही तुम्हारी नियति है, लड़ाई को मार्ग एक दूसरा मार्ग है,
और एक शहीद होने को मार्ग, जैसे गांधी जी को जब मार्ग हतो वो शहीद होने को मार्ग हतो, सुभाष को मार्ग हतो वो शहीद को मार्ग नहीं तो तलवार उठा के लड़ने मारने को मार्ग हतो। तो ये शहादत को मार्ग है, तुमने विप्रयोग को ही चुनियो है, तो पूरी विप्रयोग को जो फाइनल कंक्लूजन है वहां तक बात को महाप्रभु जी ले जा रहे हैं कि भगवान फल रूपत्वात नात्र बाधक इष्यते, भगवान प्रकट होकर और तुम्हारे विप्रयोग को खत्म नहीं करेगो। स्वास्थ्य वाक्यम न कर्तव्यम, कोई समझाने आवे तुमको कि भगवान तो सर्वव्यापक है तुम कौन के लिए रो रहे हो, जैसे उद्धव जी गोपी जनन को समझाने आए, तो बाकी दरकार मत करो, ज्ञान की परवाह अब जरूरत नहीं है। ये बात समझो, ज्ञान की परवाह आरंभ में जरूरत होती, विप्रयोग यदि अनुभव हो गयो तो ज्ञान की कोई परवाह की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य वाक्यम न कर्तव्यम, और तुमको यह भाव कभी नहीं जगेगो कि प्रभु दयालु नहीं है, हमारे सामने प्रकट क्यों नहीं हो रहे है। क्योंकि एक सीधी सी बात बताऊं, जैसे अक्सर मैं कहता रहूं, एक यहूदी हो तो सरमद करके, तो वो इजराइल से अपने यहां दिल्ली आ गए हो तो अपने औरंगजेब के बड़ो जो दारा तो वहां को गुरु हो तो, और वो नंगो रहते तो मस्त राम जीव हो तो नंगो रहता तो, और वहां बैठ के जामा मस्जिद के आगे आधी सो कलमा बोलते तो, ला इला बोलते तो, इल्ला नहीं बोलते तो, मोहम्मद रसूल अल्लाह नहीं बोलते तो, ला इला मतलब वाके अलावा कोई नहीं है, अल्लाह एक है और वाको रसूल दूत मोहम्मद है, ये पीछे के दो बात नहीं बोलते। तो कोई ने औरंगजेब के सामने फरियाद कर दी कि भाई ये हर वक्त ऐसे आधो बोले, तो औरंगजेब ने पूछा भाई क्यों इतना आधो बोले, यस तो वहां ने इतना मस्त जवाब दियो कि जितो जाने उतो बोल रहे हूं, आगे जान लूंगा तो आगे भी बोलूंगा, अभी इतो जान लियो कि वाके अलावा कुछ नहीं है, आगे की बात अभी जानी नहीं है मैंने तो बोलू कैसे। तो औरंगजेब ने ऑर्डर दियो कि मार दो, मरते वक्त बाकी खूबसूरती देखो, भक्ति की खूबसूरती कैसी हो, कि वहां ने यह नहीं कही कि औरंगजेब मार रहे हो, मरते वक्त भी वहां ने यह बात कही है कि मेरी प्रेमिका मेरे प्रेम की परीक्षा करना चाह रही है कि मैं सच्चो प्रेमी हूं कि नहीं, तो बाकी प्रेम की परीक्षा देने के लिए को मरना चाहिए मुख, हंसते हंसते मर गया, उनकी काट ले गला, बोलूंगा तो उतना ही जितो जानियो है, जानियो नहीं वो कहां से बोलो, अभी मैं जानियो ही नहीं तो बोलू कैसे। ये मादा अपने में पैदा हो सके, ऐसे अपने यहां के भी बहुत से उदाहरण मिलेंगे, तो ये बात समझो कि ऐसा मादा अपने में पैदा हो सके है, तो स्वास्थ्य वाक्यम न कर्तव्यम, अपने को ये नहीं लगेगा कि प्रभु दयालु नहीं है, प्रकट नहीं हो रहे हो। तो मुको एक ने एक दिन पूछे कि इतने साल से सेवा कर रहे हैं पर ठाकुर जी प्रकट क्यों नहीं भय, मैं कंफ्यूज हो गया, मन की ठाकुर जी नहीं प्रकट भय तो तुमने सेवा कौन की करी, सेवा कर कौन की रहे थे, ठाकुर जी नहीं प्रकट भय तो सेवा कौन करी, कोई पत्थर पूजियो कि कोई मेटल पूजी, क्या पूजी तुमने, नहीं नहीं यो तो ठाकुर जी हैं, उनकी यो है और यो नहीं है या को मतलब क्या, आम छे ने ओम नती, मैं कंफ्यूज हो गया, उनकी नहीं नहीं कंस को प्रभु प्रकट हो गए, कंस को प्रकट हो गए, कंस को द्वेष है तो तुमको द्वेष कहाँ है ये बताओ, तो कंस को प्रकट हो गए हमको क्यों नहीं प्रकट हो गए, तुमको द्वेष कहाँ है इतनो, तुमको स्नेह कहाँ है इतनो, ये बात बताओ, तुम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर रहे हो कि हमने 10 साल सेवा करी और ठाकुर जी क्यों नहीं प्रकट भय, तो भाई ठाकुर जी प्रकट भय या को तुम दयालु है कि अदयालु है तुम चिंता कर रहे हो, ये चिंता तुम क्यों करो, ठाकुर जी की जाति तुम सेवा कर रहे हो वाकू प्रकट ठाकुर क्यों नहीं मान रहे हो, वो प्रकट ठाकुर है करके तो अपन वाकू मूर्ति नहीं कहे, वो प्रकट ठाकुर है करके अपन वाकू प्रतीक नहीं कहे, वो प्रकट ठाकुर है करके अपन वाकू स्वरूप कहे, रूप नहीं कहे, स्वरूप क्यों कहे, साक्षात रूप कहे, रूप केवल नहीं कहे, नहीं तो रूप कहना चाहिए तो प्रतीक कहना चाहिए तो मूर्ति कहना, एक बाजू से स्वरूप कहना दूसरी बाजू से पाछो एम स्वरूप और ओम पाछू स्वरूप नहीं, तो ये एम और ओम का चक्कर क्या है, ये अपने को एक दिन शांति से समझना पड़ेगा, तो ये क्या है अपनी अधकचरी मन की स्थिति है, ऐसे प्रभु को इतने दिन से हम विरह कर रहे हैं और प्रभु प्रकट क्यों नहीं भय, तो प्रभु दयालु नहीं है, ये सब जो है वो एम ओम को चक्कर है हो, या एम ओम को चक्कर रह नहीं जाए, वो एम ओम को चक्कर है मतलब तुम्हारे को विरहानुभव नहीं है, ये बात समझो, तुम काम कर रहे हो रमण नहीं कर रहे हो प्रभु के साथ, नटवर वपु के साथ तुम्हारो रमण नहीं हो रहे हो है, नटवर वपु के तुम कामी हो, नटवर वपु में रत नहीं हो, नटवर वपु में यदि तुम रत हो तो एम ओम के चक्कर सब खत्म हो जाएंगे,
स्वास्थ्यवाक्यम न कर्तव्यम दयालुर न वरिध्यते दुर्लभोयम परित्याग प्रेमणा सिद्ध्यति नान्यथा। महाप्रभु जी कंक्लूजन में कितनी गजब बात कही कि ये परित्याग बड़ो दुर्लभ है और कर वही पाएगो कि जाके दिल में प्रेम है, जाके दिल में प्रेम नहीं है, जाके दिल में काम है भगवत। बस काम में खोटे अर्थ में नहीं कह रहे हूं, कोई डिरोगेटिव सेंस में नहीं कह रहे हूं, एक भाव के कंपैरिजन में ही कह रहे हूं कि जाकू भगवत काम है वाकू ये परित्याग सिद्ध नहीं होएगो, जाकू भगवत प्रेम है वाकू ये परित्याग सिद्ध हो जाएगो। ज्ञान मार्ग को जो संन्यास है, एक अपन याकू पूरा कर लें।